नमस्कार, स्वागत है आप सबका के न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ पलक पलक। ये जो दर्दनाक रेल एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से हर जगह तहलका मच गया। आखिर कहाँ गया वो कवच जो कि भारतीय रेलवे ट्रेन सुरक्षा के लिए अश्विनी वैष्णव ने सफल परीक्षण किया जो कि इस ट्रेन के एक्सीडेंट को रोक सकता था। आइए बताते हैं आपको कि ये कवच होता क्या है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने RDSO रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए विकसित किया है। हाई सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया था। उस वक्त इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो ट्रेन आमने सामने इस कवच के वजह से रुक गई थी। इसका परीक्षण पिछले साल ही अश्विनी वैष्णव ने किया था। आपको बता दें कि रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने ये जानकारी दी है कि इस रूट पर जहां पर ये हादसा हुआ है उस जगह पर अभी कवच सिस्टम नहीं लगा था।